कथा ये 16 शताब्दी रा ए समय रे गंजाम जिला कविसूर्य नगर रा आठगड़ पाटणा तथा से समय रा अष्ट दुर्ग मध्यरु एक दुर्ग लंगलबेणी आउ राजा रघुनाथ हरिचंदन जगदेव पुरी रथयात्रा रु फेरी राजा भावमुग्ध स्थिर करंती एही दुर्गरे एक मंदिर निर्माण करी महाप्रभुंकु स्थापना करिवे। पांज्यांक द्वारा जोग स्थिर हुए। सकल प्रकार विधि विधान पूर्वक शिल्पीकार आनंद महाराणा नेतृत्व में 1713 ख्रीष्टाब्द वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीय रविवार रोहिणी नक्षत्र में मंदिर शुभारंभ हुए। मंदिर निर्माण समापन पूर्व राजा रघुनाथ दारुमूर्ति निर्माण निमन्ते श्रीक्षेत्र को जाई गजपति महाराजा सहयोगरे श्रीक्षेत्र शिल्पीकार मानंकु अणाई चतुर्धा मूर्ति निर्माण करा जाए। एवं 1716 ख्रीष्टाब्द मकर शुक्लपक्ष पंचमी गुरुवार पुष्या नक्षत्र रे महाप्रभु सिंहासन आरोहण करंती। आठगड़ पाटणा जगन्नाथ मंदिर खूब शांत परिवेश। एठी मानवीय कोलाहल ठारु खूब अधिक प्रकृतिर कोलाहल। मंदिर बेढ़ारे पाद रखिदेले देह मने चरी जाए एक आध्यात्मिक भाव। एठी सबु किछि जगन्नाथमय। मंदिर शिखर रे फरफर होई उड़ुथिबा ए पीता आउ श्वेत वर्णर बाना दुईटी को देखिदेले लागे जेमिति आउ किछि मने पड़ु नाही। आखि आगरे केवल से ही कालिया ठाकुर भाई भौणी को साथी रे सिए कालिया ठाकुर भाव को निकट सिए अभाव को दूर। भावरे भावरे एठे भक्तटिए जनाण गाए महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडियांकर प्राणर स्पंदन। सिए प्रतिटी आत्मार परमात्मा। सिए जगत करता जगतर नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ। ए माटीरे जगन्नाथ शरण श्रीक्षेत्र भावे परिचित। ए माटीरे आठगड़ राजा एवं पुरी गजपति महाराज मानंकर संपर्क अत्यंत निबिड़। तेणु ए माटी सारा उड़ीसा रे परिचित ताहा सहित विश्व दरबार रे मध्य परिचित। श्री जगन्नाथ एही शब्द भितरे अछि ब्रह्मर स्वरूप ओ सत्विक भावमय सत्ता। एहा ही जगन्नाथ चेतनार विश्वव्यापकता और विश्व मैत्रीर परिप्रकाश। साम्य और मैत्री देवता भावरे उभा नीलाचलवासी।